नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर पर। करते हैं शुरुआत आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की खैरलांजी से। लॉकडाउन में स्वास्थ्य और महिला बाल विकास के सभी कर्मचारी अधिकारी कर रहे प्रशंसनीय कार्य, सभापति अरुण गजबीहे ने कहा। साथ ही परियोजना खैरलांजी की शिकायत पर क्या बोली वह सुने खुद उनकी जुबानी। जिला पंचायत की महिला व बाल विकास सभापति अरुणा गजबीहे, जो कि क्षेत्र क्रमांक 16 की सदस्य है, उन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना में स्वास्थ्य विभाग के साथ महिला बाल विकास के सभी कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए बताया कि चाहे वह बड़े अधिकारी हो या छोटे कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता व ANM हो, सभी लोग इस महामारी में अपना सराहनीय सहयोग दे रहे हैं। सभी लोग ग्राम में बाहर से आए लोगों को समझा रहे हैं कि वे लोग प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सावधानी बरतने की सलाह दी। साथ ही आपके द्वारा परियोजना खैरलांजी सहित अन्य परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से हितग्राहियों को लॉकडाउन में रेडी टू ईट सत्तू नहीं मिलने पर भी नाराजगी जाहिर की गई और शिकायत के बाद मामलों को संज्ञान में होना बताया गया। देखे और सुने क्या बोली सभापति श्रीमती गजबीहे। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए बालाघाट खैरलांजी से योगेश कावड़े की रिपोर्ट। गजबीहे क्षेत्र क्रमांक 16 की जिला पंचायत सदस्य और स्वास्थ्य महिला बाल विकास सभापति जिला पंचायत बालाघाट। चूँकि अभी पूरा कोरोना चल रहा है देशव्यापी, मतलब विश्वव्यापी जो महामारी चल रही है, ऐसी स्थिति में अपन चूँकि आपको तो ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी है, तो किस प्रकार का स्वास्थ्य विभाग का जो प्रशासन जी किस प्रकार से सहयोग मतलब क्या कर रहा है? जैसे अपने जिले का जो प्रशासन है बहुत अच्छे तरह से जो है समय समय पे जो शासन के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उनकी, तो छोटे से कर्मचारी से लेकर अपने ऊपर तक के कर्मचारी बहुत अच्छे सेवाएं दे रही हैं। और सेवाएं देने के बाद में भी जो हमारे एक व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हमें देखकर ऐसा लगता है कि जो व्यवस्था वैकल्पिक परिस्थिति में की जा रही है इसमें हमें किसी भी प्रकार की कमियां महसूस नजर नहीं आ रही। तो ये जो निचले स्तर के जो कर्मचारी है कैसे मोटिवेट करते हैं इन लोगों को आप? जैसे जानकारी में अगर कोई बाहर से आते हैं तो उन लोगों को सावधानियों के बारे में बताया जाता है, या फिर कई अपने यहाँ से बाहर गए हुए हैं या उन लोग कहते हैं कि हमें आना चाहिए इधर, तो हम लोग उन लोगों को ये बताया जाता है कि भाई किस प्रकार से आपको आने की कैसी व्यवस्था की जाए। ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो सामने जो परिस्थिति आती है उसके लिए जो है बताया जाता है, और इसके जो उपाय, इससे किस तरह से बचाया जाए, इससे किस तरह से हमें बचना चाहिए, ये सारी चीज़ें उन लोगों को बताया जाता है। सारा स्वास्थ्य हमला बकायदा बढ़िया सेवा से बढ़िया अच्छी सेवाएं दी है। तो अपने यहाँ भी कितने लोग रुके हुए हैं ऐसे जो बाहर से आए हुए हैं? अपने यहाँ शायद मेरे नॉलेज में है, अपने यहाँ जो सेंटर बनाए थे गजपुर पांजरा, अपने यहाँ चिकला में भी है, लगभग पांजरा में 52 लोग थे, और जो बस्ती है तो बस्ती में भी 10 लोग जो आए थे बाहर उनकी व्यवस्था की गई थी। उन लोग कुछ दिन एक सप्ताह रहने के बाद में प्रशासनिक जो अमला आया था, हमने उनकी जांच के लिए पुनः अपने BMO साहब से बात किए थे और उन लोगों ने अपनी एक टीम भिजवाए थे, जिन्होंने अपनी टीम भिजवा कर उनका टेम्परेचर देख कर ये पता हम लोगों को भी नॉलेज में आया कि इनका जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को देख कर ऐसी कोई खतरे वाली बात समझ में नहीं आई। क्या संदेश देना चाहेंगे आप इनके लिए? मैं यही कि जो सेवाएं जो दे रहे कर्मचारी वो अति शोभनीय, जो लोग बाहर से आए हुए उनको क्या संदेश देना चाहिए? उनको संदेश यही देते हैं कि जैसे आप लोगों को अगर सेंटर में आप रहते हो तो उस सेंटर में आप अपना डिस्टेंस बना के रखिए। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।